मैं आ चुकी हूँ ब्रश करने के लिए। बड़ी देर के बाद मैं ब्रश कर रही हूँ। अभी पहला रोजा है ना, तो बिल्कुल भूख नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह का फजल है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, अब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि आज हमने खानी है सहरी। तो हम नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि रोज़े आ गए हैं, रमज़ान आ गए हैं और 30 डेज मेरा पूरे व्लॉग आएंगे। 30 डेज के पर डे मेरा व्लॉग आएगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ रोज़ों को लेके, क्योंकि शुक्र है सर्दी सर्दी में रोज़े हैं, ना कि रोज़ा लगेगा ना कुछ होगा। सो इसलिए रमज़ान आ चुका है और पूरा हमने जो है, जो कि मैंने कल आपको किचन की सफाई दिखाई थी, और आज आप क्या देख रहे हो, आज आप देख रहे हो फर्श वर्श जो मैंने धो लिया है वो मैं दिखाऊंगी। देख नहीं रहे हो, वो मैं दिखाऊंगी। पूरा फर्श हमने घर पूरा खाली कर दिया क्योंकि ये जो बोलते हैं इसको पर्दे तक, क्योंकि कवर सारे धुल रहे हैं। और अभी रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं जरा आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। रात के बज रहे हैं 7:43। तो यहाँ पे पर्दे धुल रहे हैं, अभी ये वाले पर्दे धोने को हैं, ये कपड़े भी धोने हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें धो रही है तानिया दीदी, और ये पर्दे शर्दे दाने दीदी ने धो लिए हैं। और ये मेरे को शीशे में से दिख रही होंगी अगर आपको दो दो लाइटें, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि उनके कवर पर्दे और क्या बोलते हैं उसको, और बस दो बेडशीटें थी वो तानिया दीदी ने धो लिए। ये देख सकते हो आप, ताकि उनके कवर सारे यहाँ पर डाले हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक कम्बल जो हम नीचे फर्श डाला था, एक कम्बल ये आ गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और यहाँ पे एक आ गया ये छठा। और छत के ऊपर देख सकते हो 1-7, और इस साइड भी एक डाला है 8। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ 8 कंबल, उनमें से 8 में से एक गलीचा है, वो मैंने धोया अकेले, वो भी हाथों से। ऐसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइट दिख रही होगी, कोई मसला नहीं है, वेट करो, कोई बात नहीं। सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि इतना साफ सफाई हमने कर दी है, जैसे कि किचन हमारी पूरी साफ हो चुकी है, बर्तन छर्तन सब कुछ धुल चुके हैं, और हमारे यहाँ पे पूरा फर्श हमारा जो है, जो हम नीचे फर्श डालते हैं वो, और जो हम पर्दे लगाते हैं ताकि वो कवर लगाते हैं, सब कुछ धुल के साफ सुथरा हो चुका है। यहाँ पे आप पर्दे शर्दे सब कुछ निकाल दिए, फर्श शर्श सब कुछ उठा के सारे कमरों में, इस किचन में, ताकि उनके कवर नहीं है ये, यहाँ पे बाहर भी दिखा देती हूँ आपको। वेट, लाइट नहीं ना, लाइट चलेगी, लाइट का स्यापा ही है इधर। और हमने ये दूसरी तरह डाला है, और बेड को हमने दूसरी तरफ लगा दी है, इस पर भी अभी कुछ नहीं डाला है। तो यहाँ पे सब कुछ उठा उठा के, ये कपड़े जो हमने आज़ादी के घर से जो कपड़े हमने लिए थे वो लाए, वो अभी निकाल के रखे हैं, ये फुल हो चुकी है, अभी ये डालेंगे, किसी में एडजस्ट तो करने पड़ेंगे, कपड़े दुनिया के हैं। तो ये कमरा अभी हमने कर दिया, यहाँ पे भी सब कुछ सिर्फ फोम ही डला है, और ये बेडशीटें धोई थी, बाहर बारिश है तो इसलिए अंदर फैला दी हैं। और यहाँ पे सब कुछ पर्दे, ये वाले पर्दे नहीं निकाले क्योंकि ये साफ थे, तो इसीलिए ये सारा सामान हमने अभी ऐसे रखा है। और ये देख सकते हो आप, और मेरे कपड़ों की तो हालत बुरी है, गिल्ले पानी। तो गाइस, यहाँ पे हो रही है सहरी की तैयारी। तो अभी मैंने प्याज तो भून लिए हैं, अभी थोड़े सारे रख दिए मैंने ऐसे, क्योंकि जब तक मैं ये जो टमाटर है इनको भूनूंगी तब तक प्याज ना मेरे जल जाए, और मुझे आधार कार्ड की थोड़ी जरूरत पड़ी थी, इसको रख लेते हैं बाद में, इसको बंद करेंगे। और अभी हम इसको छूरेंगे, और अभी हम चिकन बना रहे हैं सहरी के लिए, और चावल जो कि है वो बना दिए हैं, बना रही हूँ मैं चिकन। सो गाइज, यहाँ पे हम हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, क्योंकि वो कपड़े बहुत गीले थे इसलिए हमने चेंज कर दिए, और फ्रेश फ्रेश अच्छी तरह हो चुके हैं, और बस सब्जी वब्जी भी बना दी मैंने सहरी के लिए। पहले अभी खाना खाएंगे रात का, अभी मशीन लगी है तो बस खाना शाना खाते हैं, और उसके बाद अब सहरी भी मिलती हूँ उसी। और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ बलोर। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं उठ चुकी हूँ और सहरी का टाइम हो चुका है, और मैं उठ के मुँह धो लिया है, बस सहरी की तैयारी थोड़ी बहुत करते हैं, क्या करें।
मेरे कुछ नींद है आँखों में, आँखें मेरी रेड हो गई हैं। काम किया था बड़ा, हिम्मत ही उठने की बट फिर भी उठना पड़ा। और नहीं बाजियां तो बाजियां, बाजियां तो बाजियां। और मेरे को स्कार्फ कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। सो यहाँ पे मैं प्रेस कुकर ऑन कर देती हूँ, गर्म हो जाएंगे चावल। ब्लोअर को कर दिया है मैंने ऑन, है चावल यहाँ पे गर्म हो रहे हैं। हाय, तब तक ना मैं आटे के ना पेड़े बना के रख देती हूँ। एक एक परौंठी डालेंगे और जी क्या होगा ब्लोअर के आगे तो जान ही, ब्लोअर में ना क्या करेंगे। के बना देंगे पेड़े। दाने दी और मेरा एक एक परोठे का पेड़ा बन चुका है। यहाँ पे हमारे परोठे बनते हुए, तो यहाँ पे मैंने चाय भी बना दी है, अभी बस इसको गर्म करना है। यहाँ पे हमारी परोठियाँ देख सकते हो आप कितनी प्यारी बनी है। चाय के लिए परोठी बन चुकी है, चाय इंडक्शन पे चढ़ चुकी है, सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ खाने की देरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्सूल हैं मैदे के, जो कि आप खाली पेट खाओगे तो मैं और ये खा लेते हैं, दाने दी और मैं खा लेते हैं एक एक, क्योंकि पता क्या है एक एक खाएंगे तो दिन भर हमारा मैदा भी ठीक रहेगा और थोड़ी दर्द भी नहीं होगी और खाना भी शायद ये खाने आ जाएगा, तो इसलिए पहले खा लेते हैं। छन 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 हो रहा है इसको, छन छन छन। हिम्मत नहीं है कुछ भी खाने का, बिल्कुल मन नहीं है मेरा खाते टाइम। तो खा लिया, बस चाय पीने की देरी है। कैसी चाय बनी है? बहुत ही टेस्टी बनी होगी, खुशबू बनाई है। अभी मैं चाय पी रही हूँ बट मेरा मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। तो तानी दीदी पी रही है चाय क्योंकि तानी का अभी तानी ने दो तीन जग गड़ खाने। मैं बोल रही हूँ तानी ने अभी गिलास तू गिलास से पीनी है पानी के। प्यास लगती ही नहीं है मुझे, ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, मुझे नहीं लगती। मुझे देखो क्या होता है, मैंने जब खाने का टाइम होता है तब मुझे जैसे कि 1 बजे मेरे मैदे में दर्द स्टार्ट होगी, क्योंकि यार खाने का वक्त होता है मुझे नहीं। तो बस जब 4 बजे तो मुझे टेंशन खत्म, क्योंकि पता है यार अब टाइम होने वाला है, तो इसीलिए फिर हम 4 बजे जैसे लग जाते हैं तैयारियों में, फिर पता ही नहीं चलता इफ्तार कहाँ से हो गया ना। मुझे नहीं लगता, नहीं यार मुझे थोड़ा थोड़ा पता, पहले रोज है ना, क्या पता लग जाए, मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ब्रश करने, क्योंकि ब्रश करना बहुत जरूरी है। अभी रोजा ये इफ्तार जो सारी जो है वो अभी से ही मुझे इफ्तार हो रहा है, इफ्तार हो रहा है, तो ये सारी जो है अभी बंद नहीं हुई, तो फिर अभी मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नमाज पढ़ने के लिए हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, क्योंकि मैंने मुंह शू धो लिया है, ब्रश भी कर लिया है। अभी अजान नहीं हुई है, तो अजान होती है फिर हम नमाज पढ़ते हैं। पहले अपने नमाज पढ़ने के लिए ना अपना लिबास ला लेते हैं। यहाँ पे हमने कपड़े फैलाए हैं जैसे कि आपको दिख ही रहा है, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं रखे थे। अपना अब भैया निकाल देती हूँ जिसको लगा के मुझे नमाज पढ़नी है। गाइस यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल नमाज के लिए रेडी, जैसे कि आप मेरा अबाया देख सकते हैं, ये मेरा अबाया है, ये लगा के हम पढ़ेंगे नमाज। नमाज पढ़ते हैं अब उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस यहाँ पे हमने नमाज पढ़ ली और लाइट भी बंद कर दी मैं, और अभी बस सोएंगे और सीधे सुबह मिलेंगे, क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है और थक भी बहुत चुके हैं, क्योंकि इतना फर्श धोया है और ये वो काम तो बहुत कुछ, फिर थक भी गया इंसान। सो अभी बस सोती हूँ, फिर आपसे अब सुबह मिलूंगी, तब तक के लिए क्या करना है अपने स्टे ट्यून। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक
तो अभी हो चुकी है सुबह और मैं उठ चुकी हूँ। जो कि कल मैंने वो कंबल धोए थे वो मुझे अब धूप में डालने हैं, तो मैं वो धूप में शूट में डालती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि फिर धूप चले जाएगी। बाहर का व्यू दिखा देती हूँ खिड़की से ही। बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू है ना प्यारा गाइस। यहाँ पे हम हो चुके हैं तैयार, आप देख सकते हो। मैं ताया दीदी का आउटफिट दिखा देती हूँ और अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। आज हम दोनों बहनों ने अबाया लगाया है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं मार्केट तक, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम था मार्केट में और बस मार्केट जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा जो दुकानदार है, हमने जो दुकानदार हमारे हैं उनको हमें थोड़े सारे पैसे पकड़ाने हैं और बस, और कुछ भी नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं, हम दोनों बहनें आज बाज़ार जा रही हैं और बस चलते हैं। आपको भी दिखाते हैं क्या ही होगा, और कर करके ना मैं आपको बोर कर देती हूँ, इसीलिए चलो। आउटफिट है जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा फेवरेट अबाया है ये। ये मैंने मंगाया था पालवी दुनिया वालों से, सो इसीलिए नीचे से शूज़ लगाया है, इसमें मजा ना। फिर हम बाज़ार पहुँचे मगर रौनक है आज, कुछ पहला रोज़ है ना, रौनक भी बड़ी है। तो अभी बस हम जा ही रहे हैं। अभी हमने एक शॉप वाले अंकल को पैसे दे दिए हैं, अब हमने दूसरे शॉप वाले अंकल को पैसे देने हैं बस। अभी फिर उसके बाद हम घर निकल जाएंगे। तारी कुछ लेना है इस तैयारी के लिए? हमने सब कुछ लिया, सब्ज़ी भी ले ली है, वाटर मेलन फ्रूट भी ले लिया है, और अब क्या लेना है? अब मैंने अपने पार्सल तो पकड़ लिए, एक दो और एक तीन, मगर ये डब्बा मुझे लग रहा है खाली है क्योंकि इसका बिल्कुल भी वो वजन नहीं है। तो था क्या पता यार, इसमें तो मुझे पता है मेरे बर्तन है खेलने वाले, और इसमें मुझे पता है जैजू के लिए बैग मंगाया था। इजा बाबा का पर्स किधर है? ये इजा बाबा का पर्स होगा क्या पता। हाँ है ना, हल्का यहाँ पे लाइट भी चले गई है और जो है पार्सल अभी खोलने की देरी है, खोलते हैं पहले। सबसे पहले ये पार्सल खोलते हैं। पता कितने दिन हो गए ये शॉप पे थे ये तीनों पार्सल? एक डेढ़ हफ्ता। यहाँ पे मैंने मंगाया था इज़्ज़ा बाबा के लिए पर्स और वही आया है, देखते हैं कि कैसा है। देखती हूँ, इज़्ज़ा बाबा के लिए मंगाया था, इवन सॉफ्ट है ना, तो इसलिए मैंने इज़्ज़ा बाबा के लिए मंगाया है। अंदर से भी बहुत प्यारा है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा आया है, बहुत ज़्यादा प्यारा आया है ना, बहुत प्यारा है, खेल रहा ना, मैं चिंचू प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पे जैजू के लिए मैंने मंगाया था बैग, बैग आया है, बैग मैंने मंगाया था जैजू के लिए, और इतना प्यारा स्टफ और इतना सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। ये मीशो से, वो भी कोई बोलते ना मीशो पे अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं आता, ये देख सकते हो आप कितना प्यारा है। ये कट जाएगा फिर है ना? नहीं ये कर देगी सब होती कुछ। अब जो मैंने अपने लिए मंगाया था हंस हंस के फट जाओगे, ठीक है, हंसना नहीं, क्या फायदा है। मैंने अपने लिए मंगाए थे ये बर्तन क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे, मैंने खेलने के लिए बर्तन मंगाए हैं। ये मंगाए थे? हाँ। ये क्या है? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कुछ ना कुछ होगा ही। मट्टी, ये आ गया हॉट केस, ये आ गई बाल्टी, बाल्टी भी है इस बार, जग, जग खेलेंगे हम, ये लॉन्ड्री आ गई खेलेंगे हम, ये आ गया चकला, ये आ गया बेलन, ये देख सकते हो आप कढ़ाई, और ये आ गई पलेटे, माशाल्लाह कितनी प्यारी है ये कढ़ाई, ये आ गया डूंगा, ये तलने वाला है, ये चावल वाली है, और ये तवा है। ओ कितने प्यारे, कितने यार, खेलेंगे फिर हम, खेलेंगे अब इफ्तारी पे क्योंकि मुझे इन चीजों का बहुत शौक है। मैं बोलती हूँ सब बर्तन मेरे पास होने चाहिए, बचपन में दो चार डब्बे फुल थे बर्तन के। सो गाइज यहाँ पे मैंने किचन में डाल दिया है फर्श, जो कि अभी मैं लगी हूँ बस सब्जी बनाने इफ्तार के लिए, और किचन की आप लुक देख सकते हो दोबारा से, कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। और यहाँ पे हमने मेरे फेवरेट आलू मैंने चिप्स वाली शेप में काट के रख दिए हैं, अब सिर्फ बनाने हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारे आलू बन रहे हैं, पहले हमने
आलू डाले हैं, फिर उसके बाद टमाटर डाले हैं और गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारे आलू की लुक देख सकते हो आप, टमाटर डाल के तो गजब ही आई है ना। मुझे इफ्तारी में बहुत पसंद है इसलिए मैं आलू बनाती हूँ। बैंगन बनाते हैं तो मैंने बोला पहले हम आलू ही बना दें, गल रहे हैं थोड़े बहुत। तो अभी यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हो रही है। तारा दीदी यहाँ पे नींबू शरबत बना रही है और मैं यहाँ पे फुलकों के पेड़े बना के रख रही हूँ। और हमारे आलू भी बन चुके हैं, अभी बन रहे हैं। और सब दीदी है वीडियो कॉल पे, वहाँ पे इफ्तारी की वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे अभी चीनी हमने डाल दी है। कोई कोई नमक डालता है, चीनी डालता है, आप हमें बता देना नींबू शरबत में नमक कौन डालता है और चीनी कौन डालता है। हम चीनी डालते हैं। सबुदे आप क्या डालते हो? चीनी वाली ओके। असली में ना नमक वाली पीती हूँ, आज मैं चीनी वाली पीती हूँ, मुझे नमक वाली इतनी गंदी। सबुदे नमक वाली कितनी गंदी होती है ना। मैं मम्मा पे गई हूँ ना, मैं मम्मा की तरह हूँ। तो अभी फुलके शुलके बनाते हैं तो फिर हम आपसे मिलते हैं फाइनल लुक पे। तो गाइस हमारा दस्तरखाना आज थोड़ा सा कम ही है क्योंकि पहला रोजा था, इसलिए हमें काम देखो कितने हमने ये देखो हमारा काम ऐसे ही पड़ा है। तो इफ्तारी की हमने जल्दी तैयारी की है। तो ये देख सकते हो आप आलू बनाए हैं, ये है मूली एंड प्याज, और ये है वाटरमेलन, ये है खजूर, और जल्दी में ये फुलके बनाए हैं। बस हमारा इतना ही, और ये नींबू शरबत है, बस इतना सा ही बनाया है आज। तो ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है क्योंकि अभी क्या करें, थोड़ा सा काम भी लगे हैं तो टाइम नहीं मिल रहा था इसीलिए। भूल गया यहाँ पे तो रोजा खुल चुका है। सबसे पहले हम खजूर से रोजा खोल रहे हैं क्योंकि सवाब है। घर का काम करते करते पता नहीं चला, जल्दी जल्दी बनाया हमने, जल्दी जल्दी में हमने बनाया है क्योंकि हम काम, अजान भी होगी, पहले नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर खाएंगे, है ना। तो नमाज पढ़ते हैं फिर मिलते हैं आपसे। वहाँ पे मैंने नमाज पढ़ ली है और तारा दी अभी पढ़ रही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने अपनी प्लेट में आलू सर्व कर दिए। पे आलू शालू, बड़ी भूख लगी है, भूख नहीं लगी ऐसे, मुझे ना स्टोमक में पेन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये भूख की वजह से होती है, तो और कुछ भी नहीं है। तारा दी आओ, मैंने आपके लिए भी डाल के रख दिया है, लो खा लो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने मेरी प्रेयर देखना, देखने वाला उठाते हैं। मैंने आलू बनाए हैं, मगर नमक शमक चेक नहीं करते हैं, मगर नमक पूरा है। कैसे पता लग रहा है? याद है हमने पहले भी ऐसे रोजे रखे थे, इसमें चीनी नहीं है। इतनी डाली थी, हुई क्यों नहीं है? मिठास हुई है ना, अच्छा है इतना ही, ना ज़्यादा चीनी होनी चाहिए तो ना कुछ। चलो खाते जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो यहाँ पे हमने खाशा की कर दिया है ख़त्म, तीन तीन फुलके ही खाने आगे, सिर्फ तीन तीन खाए, उसके आगे एक भी नहीं। मच्छी बहुत आलू में, इसलिए मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। ठीक आ रही हूँ। तो मिर्ची बहुत है, सच में इतनी मिर्ची थी आलू को, क्या हो गया? मुझे लगा जब मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ तांदी पोती, तो उन्हें मरीज खाना बनाया है। मैं सोचा आज मिर्ची डालती हूँ, बहुत तेज है। लेकिन जब रोजा रखते हैं, खाना शाना खा के हम हो चुके हैं फ्री, और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से पसंद आया होगा। क्या ही करना होता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग।